मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो भाई जबलपुर वालों की आवाज को क्या हुआ है, ऐसे बोलोगे? ये रावण बाबा भी विदेश गए हुए हैं, उनके पहरे कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ममता दीदी कलकत्ते में है, उनको आवाज सुनाई देनी पड़ेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाइए दोनों हाथ। और आज यहां से सीएए के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई राकेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और जिन्हें मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, ऐसे हमारे नेता शिवराज सिंह जी चौहान जी मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गोपाल भार्गव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री सुहास भगत जी, जबलपुर की महापौर स्वाति गोडबोले जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती मनोरमा बेन पटेल जी, अभिलाष पांडे जी, जी एस ठाकुर जी, राजू तिवारी जी, यहां पर उपस्थित सांसद गण, विधायक गण, और आज इस जबलपुर की वीर धरती पर ऐतिहासिक मैदान के अंदर एकत्रित आए हुए जबलपुर के प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। ये जबलपुर सालों से देश के संस्कार के क्षेत्र में एक ऊर्जा का स्थान बना हुआ, यही धरती है जहां भेड़ाघाट का सौंदर्य मां नर्मदा ने सालों सालों बहकर बनाया, यही धरती है जो मां नर्मदा के पावन पवित्र जल से पुण्य भूमि बनी हुई, यही भूमि है जिसको आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार धामी के नाम से सम्मानित कर पूरे देश में इसका सम्मान किया। यही भूमि है जहां आचार्य जगदीश सालों तक दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे, यही भूमि है जिसने महर्षि महेश योगी को यहां से विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराने के लिए भेजा, और यही भूमि है जो रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदानों से सिंचित हुई हुई भूमि है। रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने सन 57 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, जब पकड़े गए गद्दारों के कारण अंग्रेजों ने उनको पूछा एक क्षमा पत्र दे दीजिए, जान बख्श दी जाएगी। ये वीर रघुनाथ शाह ने कहा कि मैं तो रानी दुर्गावती का वंशज हूं, क्षमा नहीं दूंगा, तो के नारे पे चढ़ा दो, क्षमा प्रार्थना नहीं। अंग्रेजों ने तो के नारे पे चढ़ाकर उनके फूटे फूटे उड़ा दिए, और जो शरीर के अंग जहां बिखरे वो भारत माता का जमीन का टुकड़ा पावन हो गया, पवित्र हो गया, वो ही यही रानी दुर्गावती ने मुगलों के दांत खट्टे कर भारत की नारी, भारत
की वीर नारी देश के लिए कैसे बलिदान कर सकती है, इसका उदाहरण यही भूमि पर मिला। मित्रों, आज विवेकानंद जयंती है। विवेकानंद जी हमारे आधुनिक भारत में 39 साल की कम आयु और अनेक रोगों से घिरा हुआ शरीर ईश्वर ने उनको दिया, मगर मनोबल हिमालय जैसा। उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति का परिचय, न केवल भारतीय संस्कृति का परिचय कराया, भारत के धर्म को भी उन्होंने इसकी ध्वजा विश्व में फहराने की शुरुआत की। और आज उनके जन्मदिन के दिन पर आप सबके रूबरू होने का मुझे बहुत आनंद है, और ऐसे विषय लेकर मैं आया हूं जिसका मुझे बहुत गौरव भी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक जन जागरण चला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जन जागरण क्यों चलाना पड़ रहा, क्या है सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या, जन जागरण इसलिए चलाना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा एंड कंपनी, कम्युनिस्ट, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारी पार्टियां इकट्ठा होकर देश को गुमराह। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश के माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक भाइयों की, मुसलमानों की नागरिकता छीन, और इसके कारण देश में बड़ी क्रांति की स्थिति निर्मित हुई। मित्रों, आज मैं बताना है, मैं यहां से चैलेंज देता हूं ममता बनर्जी और राहुल बाबा को, ये सिटीजनशिप एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पर भी किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बता दीजिए, इसमें कहीं पर भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का। और मित्रों, नागरिकता किसको देने, जब देश का बंटवारा हुआ कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और देश दो टुकड़ों में बट गए। पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी रह गए, उनको यहां आना था, मगर उस वक्त जिस प्रकार का खून खराबा था वो वहां रह गए। और हमारे देश के सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि आप अभी वहां रह जाइए, आप जब भी कभी भी आएंगे भारत में आपका स्वागत किया जाएगा, भारत आपको नागरिकता देगा, भारत आपको सम्मान। मगर मित्रों, क्या हुआ जब हम आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर क्यों आना, जब बंटवारा हुआ पूर्व पाकिस्तान के अंदर भी 30% हिंदू थे और पश्चिम पाकिस्तान में भी 30% हिंदू, और आज पश्चिम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3% हिंदू बच गए और पूर्व पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7% हिंदू बच गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंधे और कान के बहरे एक कांग्रेस के नेताओं को बताइए, 30% से 3% हुए, कहां गए वो हिंदू भाई मेरे, कहां गए मेरे सिंधी भाई, कहां गए मेरे सरदार भाई, सिख भाई कहां गए? बंगाल के अंदर मतुआ समाज और नाम सूत्र के दलित आए हैं, जो वहां बंगाल में रहते थे, बांग्लादेश में रहते थे, वो कहां गए? उनका या तो धर्म परिवर्तन करा दिया गया, या तो उनको मार दिया गया, उनकी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, परिवारजनों के सामने अत्याचार किए गए, मजबूर होकर अरबों खरबों की संपत्ति छोड़कर एक शरणार्थी के नाते भारत में आए, जो 100 एकड़
का जमींदार था, आज एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपने बच्चों के लिए रोड पर मजदूरी कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो धर्म में वो पैदा हुआ है वो धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार, अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए, स्वधर्म को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए ये एट्रोसिटी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उनके मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है, उनसे बचने के लिए वो यहां ये नागरिकता कानून जो है वो उसको नागरिकता देने का कानून। तो मित्रों, आज सारे कांग्रेसी पूरे देश भर के अंदर गांव 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 कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 12 जुलाई 1947 महात्मा गांधी ने कहा, जिन लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया उन्हें पता होना चाहिए, जो रह गए हैं वो हिंदू भाइयों को भी पता होना चाहिए वो पूरे भारत के नागरिक थे, जब भी भारत में आना चाहते हैं भारत उनकी सेवा करने के लिए तैयार है, उनको ये महात्मा गांधी। राहुल बाबा, आप महात्मा गांधी को भी नहीं सुनोगे? छोड़ दो, महात्मा को तो कब का आपने छोड़ दिया, गांधी जी को कब का छोड़ दिया। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी और जो आने वाले हैं वो शरणार्थी के राहत, पुनर्वसन और नागरिकता के लिए जो भी कुछ करना है वो करने के लिए हम तैयार। आपके परनाना का भी नहीं मानोगे, सरदार पटेल ने कहा, आचार्य कृपलानी ने कहा, राजा जी ने कहा, राजेंद्र बाबू ने कहा, सबने ठीक ठीक कर कहा था कि ये जो वहां से हिंदू प्रताड़ी धोकर आ रहे हैं, सिख भाई प्रताड़ी धोकर आ रहे हैं, भारत उनकी स्वाभाविक जन्मभूमि है, भारत में उनका स्वागत है। और आज कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि इनका विरोध कर रही है। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, शिवराज जी ने बताया कि बच्ची ने कहा हमें गोली मार दीजिए, हम वहां पर हमारे धर्म को छोड़कर नहीं रह सकते, वो बच्ची को गोली मार दे क्या? मुझे बताओ जबलपुर वालों, इनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? पता है झोंक से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं डंके की चोट पर आपके भरोसे पर कहता हूं, कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जितना विरोध करना है वो करो, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर ही हम दम लेंगे। भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सिख बौद्ध ईसाई शरणार्थी का है, वो भारत का बेटा है, भारत की बेटी है और हमारा भाई है, उसको गले लगाकर मारे। और मैं आज इस गैरिसन ग्राउंड के ऐतिहासिक स्थल पर ये दुनिया भर के ह्यूमन राइट के चैंपियंस को भी कहना चाहता हूं, ये लाखों करोड़ों लोगों पर पाकिस्तान में अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया, उनके ह्यूमन राइट आपको नहीं दिखाई पड़ते भाई? उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या दोष है? और अभी नानकाना साहेब दुनिया भर के सिख और हिंदू का श्रद्धा स्थल है, वो नानकाना साहेब पर बार-बार हमला किया, नानकाना साहेब की ग्रंथि बेटी जगजीत कौर को उठाकर ले और नानकाना साहेब पर हमला कर आज वहां क्या हो रहा है दुनिया भर को बताने का प्रयास किया है पाकिस्तान। आज भी मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं,
गलत रास्ते से वापिस आ जाइए, देश की जनता की पल्स समझिए, देश की जनता की इच्छा समझिए, वरना जितने बचे कुचे हो वो भी साफ होगा। देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं उसको शरण दे। 1950 के अंदर नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। नेहरू लियाकत समझौते में कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेता और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वचन दिया था कि हम इस शरणार्थियों की देखभाल करेंगे। वो वचन से आप भाग और मित्रों कौन आए, जो आए वो ज्यादातर दलित भाई, 75% से ज्यादा दलित मेरे सिंधी भाई है, सिख भाई, माइनॉरिटी के लोग वहां से जो आए, दलित आए, बंगाल से नाम शूद्र और मतवा समाज के लोग आए, उनको नागरिकता देने में ममता दीदी आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दें। आप नहीं बताओगे मगर मैं बताता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है मित्रों। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चुनाव के लिए अपनी वोट बैंक से डरते। मैं आपको कहना, आपको पूछना, क्या मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने भी वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए या देश हित की राजनीति करनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए या देश हित की राजनीति करनी चाहिए? ये हिंदू और सिख भाई आए हैं, उनको स्वीकारना चाहिए या नहीं स्वीकारना चाहिए? अरे अभी अभी राजस्थान में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के साथ चुनाव हुए थे, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, उसके घोषणा पत्र के 34वें पॉइंट में आपने कहा है, राजस्थान का जो चुनाव हुआ उसके घोषणा पत्र के 34वें पॉइंट पर एक साल पहले आपने कहा है कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप विरोध कर रहे हो। गहलोत जी, आपका घोषणा पत्र निकाल कर देख लो कि आपने क्या कहा। मित्रों, ये अपप्रचार की जो आंधी चला, लोगों को भ्रम में डाला जाए, देश के माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं देश के माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, काफी लोग पढ़े लिखे हैं, एक कानून को डाउनलोड कर दे, पढ़ ले, इसी में कहीं पर भी किसी की नागरिकता जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वो जो गरीब सताए हुए अत्याचार हुए लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का, और आपने देश में दंगा करा दिया, देश की जनता को उकसा कर दंगा करा दिया। और इसीलिए जन जागरूकता अभियान लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। मित्रों, आपके पास आए इसकी सच्चाई बताएंगे, इसकी वास्तविकता बताएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस एंड कंपनी कितनी झूठी है, ममता बनर्जी और केजरीवाल कितने झूठे। हमने तय किया 500 से ज्यादा सभाएं करेंगे, 250 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घर घर में जाएंगे और उनको बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। मित्रों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, 1950 से जो वादा लेकर हम निकले थे नरेंद्र मोदी जी ने आज उसको पूरा करने का काम किया। मध्य प्रदेश के एक एक घर में जो साहित्य बनाया है इसको लेकर जाइए, कॉलेज में जाइए, कैंपस में जाइए, हॉस्टल कैंपस में जाइए और उनको बताइए कि वास्तविकता क्या। मित्रों, और ये पहला मौका नहीं,
कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी और केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, 35 हटा दी और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का अभिन्न अंग बना दिया। मुझे बताइए, जोर से बताइएगा, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए या नहीं? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। मित्रों, राम जन्मभूमि पर जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नागरिकों में केस चलते हैं और ये कपिल सिंह और कांग्रेस के वकील कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे सिंपल भाई, जितना दम हो रोक लो, 4 महीने में आसमान को छूता हुआ श्री राम का मित्र तस्वीर में पूरी में और पुलवामा में हमला हुआ, 12 और 40 जवान जिंदा जला दिए, मार दिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए? जोर से बोलिए, सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए? जब मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर ठोका, कांग्रेस पार्टी केजरीवाल और ममता बनर्जी इसका विरोध कर रहे, कहते सबूत लाइए, सबूत लाइए। अरे ममता दीदी, ये जबलपुर के मंच पर आ जाओ, ये मेरे हजारों लाखों लोग एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस एंड कंपनी स्थापित हो, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए नहीं? जोर से बोलो, हटाना चाहिए नहीं हटाना? कांग्रेस पार्टी इसका भी अब मोदी जी सीए लेकर आए, मोदी जी सीए लेकर आए और हजारों लाखों करोड़ों हिंदू शरणार्थी, जो सिख शरणार्थी, क्रिश्चियन बौद्ध जैन शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं। नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए भाई? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी इसका जेएनयू में कुछ लड़कों ने भारत विरोधी नारे लगाए, उन्होंने नारे लगाए भारत के लिए टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये राम गोपाल केजरीवाल कहते हैं उनको बचा लो, उनको बचा लो। क्यों भाई? आपके चाचा का, आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या? सुन लो केजरीवाल जी, जो देश विरोधी नारा लगाएगा उसका स्थान जेल की सजा को के पीछे होगा, कहीं नहीं। तो ये लोगों ने चलते 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 वोट बैंक की लालच में उनकी और पाकिस्तान की भाषा एक हो। मित्रों, जब एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल गांधी कहते हैं सबूत लाओ, इमरान खान कहते हैं सबूत लाओ। जब सीएए आता है, राहुल गांधी विरोध करते हैं, ममता बनर्जी और केजरीवाल भी विरोध करते हैं, इमरान खान भी विरोध करते हैं, धारा 370 हटाते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कश्मीरियों के साथ अन्याय हुआ, इमरान खान भी कहते हैं कश्मीरियों के साथ अन्याय हुआ। मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि इमरान खान, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल सबकी भाषा एक समान क्यों है? एक समान क्यों है?
क्यों दोनों की भाषा एक? जबलपुर की जनता ने सोचना है मित्रों कि उनकी भाषा एक क्यों है, क्यों एक समान बात है। अरे कमलनाथ, कमलनाथ जी कहते हैं जोर से अपना सियार सुधारना चाहते हैं दिल्ली के दरबार में मैडम के सामने, वो जोर जोर से सीएए लागू नहीं होगा, सीएए लागू नहीं होगा। अरे कमलनाथ जी, जोर से बोलने की आयु नहीं है आपकी, स्वास्थ्य नहीं है। और अगर इतना भी जोर बाकी है तो मध्य प्रदेश को ठीक करिए, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, शराब की रेलम छेद कर दी है, मध्य प्रदेश को खनन माफियाओं के हवाले कर दिया है। आप गौशाला खोलने वाले थे, हम दूरबीन लेकर घूम रहे, गौशाला कहाँ खुली है? अब हर पंचायत को, हर निराश्रम को ग्रांट देने वाले थे, ये मेरे युवा ग्रांट मांग रहे हैं। 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करने वाले थे। किसान पूछ रहा है कर्जा तो रहा दूर, मेरे गेहूं का भुगतान नहीं होता है, मेरे धान का भुगतान नहीं हो रहा है, फसल उधर गई, समर्थन नहीं मिलता। मोदी जी जो 6,000 रुपया में भेज रहे हैं, वो भी आप मध्य प्रदेश को दे नहीं देते। बिजली का बिल हाफ करने की बात थी, किसान साफ हो गया, मगर आपकी नींद अभी तक नहीं उड़ी है। अलग अलग जगह पे शराब की दुकान के एक्सटेंशन, फैक्ट्री तो एक्सपांड हो समझ में आता है, कभी शराब की दुकानों का कोई एक्सपांशन करता है? इस प्रकार के मुख्यमंत्री और अब हमें सलाह देने आए हो। कमलनाथ जी, कल भी जनता एक ही बात करती है, हिम्मत है तो मैदान में आ जाओ। 1/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी थी, और जनता ने लोकसभा में अपना मिजाज बता दिया, और जनता आज भी शिवराज सिंह की सरकार को याद करकर अपनी भेजी का दिखा। कमलनाथ जी, ये रास्ते से आप वापिस आओ। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं, घर घर जाकर 370 राम मंदिर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इसका समर्थन मांगेंगे। क्या आप बताओ कि मांगेंगे? जोर से बोलो, पीछे तक दरवाजे के बाहर खड़े वो लोग भी बोलो मांगेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो मांगेंगे। मध्य प्रदेश की जनता को देश हित में खड़ा करेंगे। मित्रों, इतने लोगों के पास मोबाइल है, शिवराज चौहान ने सबको मोबाइल दिए, जरा निकालो अपने मोबाइल, ऐसे नहीं बाहर निकालो, हाथ ऊपर मत करो, बाहर निकाल कर ऊपर करो मोबाइल, जरा सब लोग अपने मोबाइल उठाए, जरा उठाओ। अब मैं एक नंबर बोलता हूँ, मोदी जी के समर्थन के लिए, सीए के समर्थन के लिए डायल करना है, नंबर के मोड़ पर मोबाइल को डाल दो, सब लोग नंबर के मोड़ पर मोबाइल को डालते, जरा 2 बार नंबर बोलूंगा मैं, 10 अंक का नंबर है, 10 अंक का डाल दिया सबने, बोलो पीछे वालों ने डाल दिया, बोलो पक्का, जोर से बोलता हूं, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। अब डायल कर दीजिए, डायल करो, जरा हो गया तो आपका समर्थन मोदी जी के पास पहुंच गया। अब आसपास में पड़ोसियों का और ये राष्ट्रवादी एजेंडे का जो जो समर्थन करता है, सभी को नंबर डायल कराना है, कराएंगे आप? पक्का कराएंगे? यहां से निकलकर 50-50 लोगों को फोन करेंगे? तो मैं फिर से एक बार नंबर बोलता हूं, जो छूट गए वो डायल कर दे, 8 8 6 6 2, 8 8 6 6 2, हो गया? तो
सभी लोगों को मेरी विनती है मित्रों, मोदी जी इस देश की दशकों पुरानी सदियों पुरानी समस्या का समाधान उन्होंने गरीब कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए और दुनिया में भारत को गौरव दिलाने का काम किया है और प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया है। तो मोदी जी का समर्थन करिए और ये जो झूठे लोग वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रवादी एजेंडा को विरोध कर रहे हैं उनको सबक सिखाइए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री अमित शाह जी का स्वागत अभिनंदन।